हम विषय प्रवेश करेंगे भीमबेटका की रहस्यमय गुफाओं से। तो ये भीमबेटका जो ये स्थान है, ये आज मध्य प्रदेश के भोपाल के नजदीक एक जिले में है। ये गुफा चित्र का स्थान है। इसकी एक बहुत ही रोचक कथा है। जैसे कि श्रीधर वाकणकर जी, ये पुरातत्व ज्ञाता थे, ये इस क्षेत्र में कार्यरत थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने गांव जो नागपुर है महाराष्ट्र में, वहां जा रहे थे ट्रेन से। तो ट्रेन की खिड़की से उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर जो है, जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, बहुत ही अलग किस्म के पत्थर है। तो उन्हें ऐसा लगा कि वहां पे जाके मुझे कुछ खोज करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो वहां पे अवश्य मिलेगा। तो इसके लिए वो नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गए और फिर वापस इस जगह पे आए। ये जगह जो थी, ये घने जंगल से घिरी हुई जगह थी तभी। और वो जब इस जंगल में आए और इन पत्थरों को देखा, तो उन्होंने ये पाया कि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये शैल स्थल है, यानी कि पहला जो आदि मानव है वो गुफाओं में रहता था। तो इतने बड़े बड़े पत्थर की जो एकीकरण से जो गुफाएं हुई हैं, उनमें ये मानव रहता था। तो ये मानव जो है, ये पाषाणकालीन गुफाएं थी और ये आदि मानव के वहां पे रहने का जो है कुछ उसको संबोधित कर रही थी। तो उन्होंने क्या देखा वहां पे, जब उन्होंने वो गुफाएं देखी तो उन्हें कुछ आकृतियां उन पत्थरों पर नजर आई, अलग अलग आकृतियां, जैसे कि जो मानव की दिनचर्या होती है, जैसे कि नाचना, खाना, शिकार करना, ऐसी दिनचर्याओं के चित्र उन गुफाओं में उन्हें दिखाई दिए। तो इन गुफाओं में दो तरीके के चित्र हैं, एक तो सफेद स्याही से बने हुए चित्र और एक जो है गेरुआ कलर से बने हुए चित्र। तो जो सफेद स्याही से बने बने हुए चित्र है, वो बहुत ही पुराने, यानी कि लगभग 1 लाख वर्ष पुराने चित्र माने जाते हैं। और ये चित्र जो है वो आदि मानव के काल के पाए गए हैं। उसके बाद जो गेरुआ कलर के चित्र है, वो लगभग 3,500-4,000 साल पुराने चित्र है। और यहाँ पे एक अनोखी बात हमें ऐसी दिखाई देती है कि एक आकृति है जिसके हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है। इससे हमें ये भी ज्ञान मिलता है कि 3,500-4,000 साल पहले जो आदिवासी इलाके थे या जो आदि मानव था, उनमें शिवजी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण स्थान में हमें पाई जाती है। तो ये जो चित्र मैंने आपके साथ शेयर किया है इस स्लाइड पे, उस पे आप देख सकते हैं कि उनका एक डेली रूटीन यहाँ पे शुरू है। जो उनका मुखिया है, जो राजा है, वो सालंकृत घोड़े पे बैठा हुआ है। घोड़े को भी अलग अलग आभूषण पहनाए गए हैं और बाकी उसके जो सहकर्मी है वो उसके साथ जा रहे हैं। यहाँ पे एक शिकार का चित्र हमें दिखाई देता है। तो अगर भारतीय चित्रकला की हम बात करें, तो हमें भीमबेटका की गुफाओं से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लगभग जो है भाषाएं विकसित होने से पहले जो मनुष्य एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता था, ये उसी के जो है संदर्भ में हमें चित्र यहाँ पे दिखाई देते हैं। भीमबेटका की गुफाओं के चित्र, ये वारली कला का और सौरा चित्रकला का बेसिक है। मतलब वहीं से ये जो है डेवलप होके यहाँ तक आई। आदिवासी चित्रकला की जब हम बात करते हैं, तो हर एक राज्य की एक विशेष चित्रकला है। इसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि वारली चित्रकला, गोदना, ये छत्तीसगढ़ की चित्रकला है। फिर भील कला और गोंड कला, ये मध्य प्रदेश की चित्रकला है। पिठोरा चित्रकारी, ये गुजराती चित्रकला है। और सौरा चित्रकला, ये उड़ीसा की ट्राइबल आर्ट है। तो इस विषय में मैं कुछ आपको एक रोचक बातें बताना चाहूंगा कि पिठोरा चित्रकारी जो है वो गुजराती चित्रकारी है, वो गुजरात का ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। और ये जिस कम्युनिटी ने डेवलप किया है, उस ये कम्युनिटी उनको एक मैप की तरह यूज करती थी। उन चित्रों को, उन मैप में कोई छुपा हुआ संदेश रहता था जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ सकता था, यानी कि उसी कम्युनिटी के लोगों को वो संदेश समझ सकता था। तो ऐसी अनोखी, यानी कि कोडेड लैंग्वेज जो है वो इस चित्रकारी में हमें दिखाई देती है। अगर हम गोंड चित्रकारी की बात करें, तो ये बहुत ही निसर्ग के नजदीक जाने वाली चित्रकारी है। यहाँ पे एक आजकल हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बहुत देखते हैं, तो गोंड जो है वो एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है।
ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप देखेंगे गोंड चित्रकारी में एक हिरण का चित्र है, उसके सिंग पे पेड़ पेड़ निकल के आया है और एक पेड़ पे चिड़िया बैठी है। तो ये जो इमेजिनेशन है उन आदिवासी लोगों की, ये मुझे बहुत ही अद्भुत लगती है। आज के मॉडर्न जमाने में हम इसको एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कह सकते हैं, बट ये उस चित्रकारी की विशेष विशेषता है, ऐसा मुझे लगता है। वारली चित्रकला की जब हम बात करते हैं, ये महाराष्ट्र की बहुत ही पुरानी और बहुत ही पॉपुलर चित्रकला है। इसमें आदिवासियों का डे टू डे जो लाइफ है वो इस चित्रकारी में हमें दिखाई देता है। जैसे कि उन्होंने कुछ पशु पक्षियों को पाला है, कुछ प्राणियों को पाला है, या कहीं पे खाना बना रहे, जैसे कि हमने भीमबेटका की गुफाओं में चित्र देखे। भीमबेटका की गुफाओं के चित्र, ये वारली कला का और सौरा चित्रकला का बेसिक है, मतलब वहीं से ये जो है डेवलप होके यहाँ तक आई है। गोदना चित्रकारी भी जंगल के कुछ एलिमेंट्स को दर्शाती है। तो अगर हम चित्रकला की बात करें, भारतीय चित्रकला की बात करें, तो भारतीय चित्रकला विशेषतः दो भागों में डिवाइड हुई है, एक आदिवासी चित्रकला और दूसरी लोक चित्रकला। आदिवासी चित्रकला जो है वो निसर्ग के नजदीक जाने वाली चित्रकला है,